हे गाइस, गुड इवनिंग। सो अराउंड रात के बज गए 10, तो व्लॉग की स्टार्ट अभी कर रहे हैं क्योंकि सुबह तो आराम किया था और अभी जा रहे हैं हम दशहरा मेले पे। सो दैट्स व्हाई वी थॉट दैट कि वी शुड कवर अप और आप लोगों को भी दिखाएं कि यहाँ का हमारे दशहरा मेला कैसे होता है। सो एवरीबडी सेट, हाय ग्रीषा, ऑल सेट, सो रेडी है और अभी हम देखते हैं कितने में निकलेंगे तो आपको दिखाते हैं और सीधा मिलते हैं मेले में या रास्ते में मिलेंगे, ठीक है। और वेटिंग फॉर किड्स एंड मैडम एंड हाय शबू, एवरीबॉडी सेट, गाड़ी में बैठ गए और निकलने लगे हैं जी। सो निकले, चलो ट्रैफिक जाम मेले की असली पहचान। फाइनली पहुंच चुके हैं मेले में, साउंड बहुत ज्यादा है तो एडजस्ट कर लेना प्लीज। बंगला वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेले की रौनक और यहाँ पर शूटिंग हो रही है, मतलब बैलेंस शूटिंग, इज नॉट ओरिजिनल शूटिंग। और बहुत ज़रा रश था मेले में तो हमें बहुत ज़रा केयरफुल लेना था कि बच्चे साथ में थे। और यहाँ पर रिंग थ्रो था जो कि हमने आगे जाके खुद खेला भी था, तो आगे आपको पता लग ही जाएगा कि क्या हमने प्राइज जीता, इट वॉज सरप्राइज। तो बहुत ज़रा रश था, हमें हर कदम पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था। और ये था हंटर हाउस जो कि बेहद ही बकवास है, एक्चुअली हमने लास्ट टाइम लिया था तो अंदर कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, सिर्फ आप देख लो पोस्टर बड़ा ध्यान रखता बट इट्स वर्थ नथिंग। और ये है हमारी टेबल का राइड जिसमें बच्चे ले रहे थे, तो ग्रीषा पहले प्लान किया था बट बाद में उसने कैंसिल कर दिया, डर गई क्योंकि हाइट की वजह से। यहाँ हम मेले का आनंद लेते हुए आगे बढ़ी जा रहे थे बट आगे रश देख के हमें कुछ ना कुछ मतलब फील हो रहा था कि हमें आगे लेना चाहिए राइड्स वगैरह या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इट वाज बहुत ज़रा भीड़ था, कुछ भी हो सकता था, आपको पता भीड़ से हमेशा बच के रहना चाहिए। बट हमने फिर भी थोड़ा सा वॉच एंड पहले माहौल देखा, उसके बाद देन वी डिसाइडेड कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। और ये किश्ती थी पहले, किश्ती राइड जिसको कहते बोट राइड, तो ग्रीषा वाज मतलब उसने बहुत जिद पकड़ ली थी, बट एनी हाउ मैंने उनको इन्वेंस कर लिया, बच्चे हैं तो जिद पकड़ लेते हैं कि इट्स नॉट फॉर किड्स। कौन सा झूला लेना है, कौन सा, ये डर ही नहीं रही। Thank you.
फाइनली हमने डिसाइड किया कि ग्रीशा तनीशा को कन्विंस किया कि आप कोई और राइड ले लो, तो दे हैव चूजन ये स्काई टच हाइट, जिसकी मतलब इट वाज नॉट सीम्स कि बहुत ज़रा ऐसा अफ्रेड वाला है, सिर्फ स्लोली घूमता है और वो काफ़ी ऊपर, मतलब जहाँ से पूरा देखिए पूरे मेले का और कुछ सिटी का आपको व्यू पॉइंट मिलता है, तो इट कैन बी फॉर द गेट्स एक्चुअली, जो हमने फिर बाद में आप देखना कि हमने इसको फाइनली यही प्लान किया कि ग्रीशा तनीशा और मैं, क्योंकि शिल्पा या शुभम नॉट रेडी टू टेक दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉलर राइड, तो हमने फिर प्लान कर लिया कि हम ही इसको राइड को लेंगे। बहुत ज़्यादा रश है, उम्मीद से बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं क्या बनेगा, सो वी विल बी एबल टू मेक अ राइड और नॉट पता नहीं, रश ही इतना है, वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो टिकट काउंटर पर बहुत भीड़ थी, तो इस कारण हमने थोड़ा सा वेट किया, तो मैं यहाँ पर टिकट लेने गया हुआ था और अच्छे से पीपल आर वेटिंग, बहुत ज़रा भीड़ थी, आप देखो टिकट विंडो पर भी इवन मेरे को कम से कम 5 से 7 मिनट खड़ा होना पड़ा। तो ये रखिए जी कोमल सर्कस, कुल्फी। चेक करो गाइस, ये एक तरह से मतलब आपको अगर पूरे मेले का व्यू देखना है ना, तो दिस राइड इज रिकॉर्ड, बहुत ज़रा स्लोली स्लोली ऊपर देखो स्काई, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50 से ज़्यादा फीट ऊंचाई पर था और आपको पूरे मेले का व्यू बड़ा ऑसम दिखता है, मतलब हर तरफ जग जग महाहट जिसको शायद कहता है, सॉरी, सो इट्स वाज ऑल ब्यूटीफुल लाइटिंग ऑल सराउंडिंग, और पूरे राइड्स जितने भी मेले में हैं और आपको पूरा जहाँ पर कितने लोग देखने हैं, भीड़ ये सर्कस, और इधर वाला साइड थोड़ा खाली है क्योंकि इधर सड़क है, और मेले का व्यू देखो आप, पूरी भीड़ मतलब यहाँ से पूरा व्यू दिखता है आपको मेले का, एक्चुअली आपने पूरा मज़ा लेना है, तो ये बहुत ऊंची हाइट पर जाके वापस आता है। हेलो हेलो हेलो, बहुत ऊंचाई पर ऑलमोस्ट 50 फीट,
50 फीट हाइट पे हैं, यहाँ से नीचे उतरना शुरू हो। घंटों में अभी आप वापस घर की तरफ, कैसा रहा अभी? अभी हम उल्टी मार दिया, अभी कैसा? तो इट वाज सो मतलब सो हॉरिबल बेसिकली। सो ब्रेक लगाना है यहाँ पर, अभी देखते हैं इन्होंने कुछ लेना है यहाँ से।
इट वॉज नॉट ग्रेट मोमेंट, आई कैन नॉट टेक अ रिस्क बिकॉज तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो मैं वीडियो उतनी बनाऊंगा जितनी की तुम्हें काबू करना मुश्किल हो गया। इतना दबके पकड़ लिया। आइसक्रीम खाने के लिए रुके हैं थोड़ा सा, जितना भी टाइम है, तो उसके बाद घर जाएंगे और सोएंगे आराम से। ओ क्या बात है, टूटी फ्रूटी सॉफ्टी। ओके खोल लिए अपने टॉयज, इनकी तो हालत होगी खराब। क्या हो गया? मैंने बोला था ना मतलब, तो चलो सब ठीक है। रात बज गई एक, तो लेट्स क्लोज फॉर द डे और इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। तो कैसा लगा वो लोग तो कमेंट करके बताना, और हमें प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करते रहना और लाइक करते रहना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। गुड नाइट।